हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड, आज के इस वीडियो में मैं गार्नियर ब्लैक नेचुरल हेयर कलर का मैं रिव्यू करने वाली हूँ। ये जो है फ्रेंड, ये फर्स्ट शेड है, ये नेचुरल ब्लैक डीप ब्लैक है। ये 39 रुपीज़ का आता है। ये जो है फ्रेंड, इसमें आलमंड ऑयल भी रहता है और इसमें ब्लैक टी भी रहता है। साथ ही साथ फ्रेंड, ये जो है ये क्रीम बेस्ड है, आप देख सकते हैं। और फ्रेंड, ये नेचुरल है, इसमें नो अमोनिया रहता है, अमोनिया नहीं रहता है। और साथ ही साथ ये आपको बालों को सिल्की और शाइनी बनाएगा। 100% आपके सफ़ेद बालों को कवर करेगा, यानी कि आपके ग्रे बालों को ये 100% मतलब कलर करके काला करेगा। और फिर इसके कलर जो है ये लॉन्ग लास्टिंग होता है। ये कलर जो है, इसका कलर जो है बहुत समय तक टिकता है, यानी कि आपके कलर को बहुत समय तक ये बनाए रखेगा। और साथ ही साथ फ्रेंड, मैं ये बोलना चाहूँगी कि ये इसकी प्राइस की बात की जाए, 39 रुपीज़ का है। इससे बड़ा वाला भी है फ्रेंड, आता है, इसका मैं पहले रिव्यू कर चुकी हूँ। तो फ्रेंड, सबसे पहले अगर गार्नियर की बात की जाए, गार्नियर का नाम सुनने के साथ ही हमारे दिमाग में आ जाता है कि नहीं, ये गार्नियर का है तो ये प्रोडक्ट बहुत अच्छी होगी। और साथ ही साथ फ्रेंड, इसकी प्रोडक्ट अच्छी होती भी है। मैं आपको ये रिकमेंड करूँगी कि आप इसे एक बार यूज़ करके देखिए, ये बहुत ही अच्छा हेयर कलर है। और फ्रेंड, ये 39 रुपीज़ कोई मायने नहीं रखता है, आप पहले जा करके इसे लगा करके देखो। और इसकी क्वांटिटी की बात की जाए तो फ्रेंड, ये 20 ml का है, अब प्लस 20 ग्राम का जो है वो आपको देगा। तो फ्रेंड, इसको आप लगाइए। और इसकी एक्सपायरी डेट की बात की जाए तो फ्रेंड, ये 3 साल का एक्सपायरी डेट होता है इसका, यानी कि 36 मंथ का। तो फ्रेंड, आप इसे एक बार यूज़ करके देखो। इसको कैसे लगाना है, तो फ्रेंड इसको लगाना है, आप बालों को पहले अच्छी तरह से साफ़ कर लीजिए, उसके बाद इसका कलर लगाइएगा तो अच्छा आएगा। अगर आपके बालों पे ऑयल रहेगा तो फ्रेंड इसका कलर अच्छा नहीं आएगा, इसलिए मैं आपको पहले बोलूँगी कि पहले आप बालों को धोइए, उसके बाद आप कलर कीजिए। कलर करने के बाद भी फ्रेंड, आप शैम्पू से बालों को अच्छे शैम्पू से धोइएगा, तब जा करके आपका बाल कलर होगा और अच्छा सिल्की शाइनी होगा। साथ ही साथ फ्रेंड, आपके बालों का कलर भी अच्छा आएगा। तो मेरा ये रिव्यू पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।